First of all, good morning to all of you. In the last video, we discussed the concept of organizing as well as the definition of organizing. What is organizing? You know very well. Organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enable people to work most efficiently, effectively together in accomplishing objective. किसी भी objective को achieve करने के लिए जो भी हमें काम करना है, जो भी work करना है, उसको identify करना, उसको group करना, उस काम को perform करने के लिए authority and responsibility को भी define करना, authority and responsibility को भी delegate करना, और different people of the work जो business में काम कर रहे हैं उनके बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, इट इज़ द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. यानी ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी वर्क करना है, ऑल दोज वर्क विच हेल्प्स टू अचीविंग अ गोल, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो भी वर्क है उनको आइडेंटिफाई करना, ग्रुप करना, ओके, एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन करना एंड उसको डेलीगेट करना. डेलीगेट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, एज वेल एज जो पीपल वर्क कर रहे हैं बिजनेस में उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, इट इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. ओके, आई होप ऑर्गेनाइजिंग क्लियर होगा. ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी firstly identifying and grouping the work to be performed, number 2 defining and delegating responsibility and authority, and number 3 establishing relationship of enabling people to work. With the help of these things they effectively achieve their predetermined goal. The second definition: organizing is the process of defining and grouping of the activities of the enterprise, the establishing authority relationship among them. Yani ki dusri definition ke according keh raha hai ki organizing ek aisa process hai jisme hum activities ko define karte hain, unko group karte hain, and logo ke beech mein authority and relationship establish karte hain. एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि अगर आपने एक छोटा सा स्कूल खोला तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को पढ़ाना, दूसरा टाइमली बच्चों से फीस लेना. अब बच्चों को पढ़ाने के लिए मान लीजिए आप 5 मेन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, साइंस, मैथ्स, अकाउंट्स, बीएसटी एंड फिजिकल एजुकेशन. तो आपके सामने पढ़ाना एक टास्क है, दूसरा बच्चों से फीस लेना और उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना. तो मैंने एक्टिविटी डिसाइड कर ली कि मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ताकि मेरा स्कूल अच्छे से चलता रहे, उसके लिए मैंने एक्टिविटी डिसाइड की, कौन कौन सी एक्टिविटी उसको डिफाइन किया, जो सेम नेचर ऑफ द एक्टिविटी उनको ग्रुप किया, और कौन बंदा काम करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिपोर्ट करेगा कि देखिए मेरा ये काम हो गया, ये डिसाइड करना. जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मेरे यहाँ कोई टीचर वर्क कर रहा है, तो वो अपना काम पूरा करेगा तो किसको जाके रिपोर्ट करेगा, उसके लिए भी एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए. सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस वेयर एज ऑर्गेनाइजेशन इज द रिजल्ट. यानी ऑर्गेनाइजिंग से ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन तभी फॉर्म्ड हो पाता है व्हेन वी follow the process of organizing. So the next step of today's video is process of organizing. The following steps are to be undertaken in the organizing process. The first step is identification and division of work. The first step in the process of organizing involves identifying and dividing the work that has to be done in accordance with the previously determined plans. Work is divided into manageable tasks so that the duplication can be avoided. With the help of
फर्स्ट स्टेप, हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी वर्क करना है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको बांटना, ये करते हैं। वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल टास्क, जिससे डुप्लीकेशन नहीं होगा कि एक काम दो लोग नहीं करेंगे। जैसे साइंस पढ़ाना है स्कूल में तो साइंस के लिए एक बंदा रखेंगे और वो बंदा एक बार जाके एक किसी क्लास में पढ़ाएगा, फिर दूसरी क्लास में जाके पढ़ाएगा, ताकि एक ही सब्जेक्ट बच्चों को बार बार ना पढ़ाना पड़े और उसे भी एक क्लास में बार बार ना पढ़ाना पड़े। सो डुप्लीकेशन नहीं होगा एंड वर्कलोड भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, काम को बांट दे रहे हैं। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क एज वेल एज द डिविजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ओके, पहला स्टेप क्लियर हुआ। नंबर सेकेंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। वॉट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन? वंस वर्क हैज बीन डिवाइडेड टू स्मॉल टास्क एंड मैनेजेबल एक्टिविटी, देन दोज एक्टिविटी विच आर द सिमिलर नेचर आर ग्रुप टूगेदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, काम कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और काम को बांटते हैं, फिर जो सेम नेचर ऑफ द वर्क होते हैं उनको आपस में ग्रुप कर देते हैं, और इसी को ग्रुप कहना क्या कहलाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, स्कूल मैं शुरू से एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा हूँ कि मुझे स्कूल चलाना है, उसमें टीचर्स होंगे, मैनेजमेंट होगा, स्टूडेंट्स होंगे। सो स्कूल को चलाने के लिए पहले मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले जो वर्क है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या क्या काम है। टीचिंग का काम है, मैनेजमेंट का काम है और स्टूडेंट की फैसिलिटी का काम है, तीन वर्क है। इन वर्क को मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उन सब में काम को बांट दिया। मैनेजमेंट का, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, टीचर्स में कौन साइंस पढ़ाएगा, कौन मैथ्स पढ़ाएगा, कौन सोशल साइंस पढ़ाएगा, कौन हिस्ट्री पढ़ाएगा, कौन इंग्लिश पढ़ाएगा, ये सब बांट दिया। कौन फिजिकल एजुकेशन पढ़ाएगा, कौन लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, दिस काइंड ऑफ इज़ अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क। मैनेजमेंट का काम क्या होगा, जो ये देखेगा कि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करेगा, फीस कलेक्ट करेगा, उनके टीचर्स को प्रॉपरली क्या देगा, टाइमली सैलरी एंड वेजेस देगा, स्टूडेंट से भी टाइमली सैलरी रिसीव करना है, मैनेजमेंट का काम है। देखिए इतने सारे वर्क आइडेंटिफाई हुआ है और उन काम को मैंने आइडेंटिफाई करके फिर बांटा, और फैसिलिटी जो प्रोवाइड करना है स्टूडेंट को कि उनके क्लासरूम में फ़ैन हो, लाइट की फैसिलिटी हो, रूम प्रॉपर वर्किंग नेचर में हो, ये सब चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की। अंदर आपने उस काम को डिवाइड किया और जो सिमिलर नेचर ऑफ द वर्क है उसको मैंने ग्रुप कर दिया। जैसे क्लास सिक्स में, क्लास इलेवेंथ में साइंस पढ़ाना है, क्लास ट्वेल्व में साइंस पढ़ाना है, नाइन्थ में साइंस पढ़ाना है, टेंथ में साइंस पढ़ाना है, इतनी जगह साइंस पढ़ाना है, तो ये सेम नेचर ऑफ द वर्क है ना साइंस पढ़ाना है, तो उसको मैंने ग्रुप कर दिया। उसके लिए एक साइंस डिपार्टमेंट बना दिया कि वो साइंस बंदा पढ़ाए, क्योंकि साइंस में कई सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। उसी तरह से क्लास इलेवेंथ में कॉमर्स पढ़ाना है, क्लास ट्वेल्थ में कॉमर्स पढ़ाना है, तो सेम नेचर ऑफ द वर्क है। पहले मैंने उसको डिवाइड किया कि क्लास इलेवेंथ में कॉमर्स में क्या क्या पढ़ाना है, अकाउंट्स पढ़ाना है, बीएसटी पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, ट्वेल्थ में भी अकाउंट्स पढ़ाना है, बीएसटी पढ़ाना है और इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, तो उसमें सेम नेचर ऑफ द वर्क है, अकाउंट्स अकाउंट्स, बिजनेस बिजनेस, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। तो इन सबको मैंने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उनका डिवाइडेशन किया, ये क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क, फिर उस काम को बांट दिया स्मॉलर लेवल में, फिर जो सेम नेचर है अकाउंटेंसी एंड अकाउंटेंसी उसको आपस में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन? द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स वेन वर्क हैज़ बिन डिवाइडेड इन टू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटी, देन दोज एक्टिविटी विच आर द सिमिलर नेचर आर ग्रुप टूगेदर एंड दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स एक्टिविटी विच आर डिवाइडेड इन टू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटी विच आर सिमिलर नेचर आर ग्रुप टूगेदर विच इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। एंड डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट फंक्शन एंड टेरिटरी। यस,
इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि डिपार्टमेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट के बेसिस पे भी बनते हैं, फंक्शन के बेसिस पे बनते हैं, टेरिटरी के बेसिस पे भी बनते हैं. ओके, द सेकेंड इज द थर्ड स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. वंस अ डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड, ईच डिपार्टमेंट प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड डिपार्टमेंट हेड. देन ईच जॉब इज एलोकेटेड टू एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एंड स्किल. देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. मैंने काम को आइडेंटिफाई किया, डिवाइड किया, फिर जो सिमिलर नेचर ऑफ द वर्क था उसको एक डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया. अब उस डिपार्टमेंट का कोई एक हेड होगा, वो हेड उस डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी बंदे हैं, उनके नेचर, स्किल, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको काम प्रोवाइड करेंगे और इसी को बोलेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज? जॉब इज एलोकेटेड टू एन इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एंड स्किल. And the important thing is a proper match between the nature of job and ability of an individual. Okay, this last and fourth steps of the organizing, that is establishing reporting relationship. अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ड्यूटी के लिए मेरी कोई ना कोई, मुझे कोई ना कोई अथॉरिटी मिली होगी, एज वेल एज कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी. तो हम अपने काम को पूरा करने के बाद हम किसी न किसी के लिए तो एंसरेबल होंगे. अगर वो काम सही हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं. लेकिन अगर वो काम टाइमली नहीं हो रहा है, काम इफेक्टिवली नहीं हो रहा है, देन इन सच सिचुएशन हमें किसी न किसी को तो जवाब देना पड़ेगा. सो इसके लिए हम द फोर्थ स्टेप विल बी फॉलोड, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. इन द ऑर्गेनाइजेशन ईच एम्प्लॉई हैज सम अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, इट इज़ नेसेसरी डेट एवरी इंडिविजुअल मस्ट नोन हुम ही हैज टू बी टेक ऑर्डर्स फ्रॉम हुम एंड टू रिपोर्ट. यानी जो इंडिविजुअल जिसको ड्यूटीज असाइन हुई है, जॉब एलोकेट हुआ है, उसको ये भी तो पता होना चाहिए उसको ऑर्डर किससे लेना है और किसको जवाब देना है. दिस क्रिएट्स सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स हायरार्की. जैसे स्कूल में क्या होगा, सबसे टॉप में स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे होगा उस डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर और उसके नीचे होगा टीचर्स. तो प्रिंसिपल ऑर्डर देंगे किसको, कोऑर्डिनेटर्स को, एंड कोऑर्डिनेटर्स किसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, टू द टीचर्स. तो और कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं. तो प्रिंसिपल ने क्या किया, ऑर्डर दिया टू द कोऑर्डिनेटर, एंड कोऑर्डिनेटर ने किसको ऑर्डर दिया, टू द टीचर्स. सो टीचर्स किसको रिपोर्ट करेगा, टू द कोऑर्डिनेटर, और उन्हीं से ऑर्डर लेगा, और ये किसको देगा, प्रिंसिपल को. क्लियर? कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो हियर इट इज अ फोर इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. द फर्स्ट वन, आइडेंटिफाइंग द डिवीजन ऑफ द वर्क. नंबर टू, डिपार्टमेंटलाइजेशन. नंबर थ्री, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. एंड नंबर फोर, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. नाउ वी विल मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. Why organizing is important? Because of, with the help of organizing, the first of all, we opt the benefits of specialization. You know very well, under the this process, first of all, we identify as well as the division of the work. And work allocate those person who are able to do this type, this kind of work. So, अगर हम ये कहना गलत नहीं होगा कि हम उसी बंदे को वो काम देंगे जो कि उस काम को करने के लिए क्या होगा, एबल होगा, जिसके पास उस काम को करने के लिए नॉलेज होगा, उस काम को करने के लिए स्किल होगा, तो स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट्स तो हमको मिलेंगे. सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ वर्क रिड्यूस द वर्कलोड एज वेल एज इनहेंस प्रोडक्टिविटी. एज ईच टास्क इज रिपीटिवली परफॉर्म बाय द वर्कर, इट हेल्प्स टू गेन एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन. अगर आप किसी काम को, किसी बंदे को उसके नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, जो कि हम थर्ड स्टेप में देते हैं ना असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में, तो जाहिर सी बात है वो उस काम को करेगा तो उसका एक्सपीरियंस उसमें यूज़ होगा, और जाहिर सी बात उस काम में हमें किसका बेनिफिट मिलेगा, स्पेशलाइजेशन का. नंबर सेकेंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. यू नो द फोर्थ स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप,
द एस्टेब्लिशिंग ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लेरिफाई द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन स्पेसिफाई विच इज अकाउंटेबल टू होम एंड देयर इज नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ वर्क फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन. यानी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू हमें क्या होता है, हमें ये चीज़ क्लियर होती है, हमें ऑर्डर किससे लेना है और किसको अपना आंसर देना है, किसको अपने क्लैरिफिकेशन देना है, किसको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है. सो ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से एक अच्छा वर्किंग कंडीशन क्रिएट होता है. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता है तो वहाँ काम करना ईजी नहीं हो पाता. The third benefit of the organizing is the optimum utilization of resources. It leads to a proper use of all material, finance and human resources by the proper assignment of jobs. Assignment of job to worker reduces duplication of the work, prevents confusion, minimization of wages, wastage and allows the best possible use of resources. You know, agar kisi kaam ko hume karna hai to uske liye hamare paas teen tarah ke resources hone zaruri hain. Material, financial and human. This is material reserve. Human resources, financial resources and physical resources. So, उनका proper use होना बहुत ज़रूरी है. वो proper use तभी होगा जब हम उस काम को individual को distribute करेंगे according to his knowledge and skill, as well as there should be a proper match between the nature of job and ability of an individual. अगर individual के पास उस काम को करने के लिए ability ही नहीं है तो क्या उस काम को कर पाएगा? नहीं करेगा. और अगर हम काम को properly divide नहीं करेंगे तो एक काम जो है, एक बंदा एक काम को कई बार करेगा ठीक है, लेकिन एक काम को 10 लोग करेंगे. एक क्लास में कोई बंदा जाके साइंस पढ़ा रहा है, फिर दूसरा बंदा भी जाके टीचर साइंस पढ़ा रहा है, क्योंकि उनके बीच में प्रॉपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है. तो क्या वो रिसोर्सेज का आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो? नहीं. आपके स्कूल में टीचर तो हैं बट आप उस टीचर का इफेक्टिव यूज़ नहीं कर पा रहे हो. टीचर इज ऑल्सो रिसोर्सेज. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, एक डिपार्टमेंट का काम है प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल लेना, फिर दूसरे बंदे का उसको प्रोड्यूस उससे फिनिश गुड बनाना, और तीसरे काम उसको पैकिंग करना. अब हमने ये डिवाइड ही नहीं किया है तो ऐसा भी होगा ना कि प्रोडक्ट की दो दो बार तीन तीन बार पैकिंग हो जाएगी, क्योंकि मैंने काम बांटा ही नहीं है. एक ही बंदा पैकिंग भी करेगा, फिर वही बंदा पैकिंग भी कर रहा है, फिर दूसरा बंदा भी आके पैकिंग करने लगा, क्योंकि दूसरे बंदे को काम ही नहीं अलॉट है कि उसे प्रोडक्शन करना. अगर हम उसको क्लियरली उसको जॉब एलोकेट कर देंगे तो वो उस काम को करेगा, ना कि दूसरे काम, क्योंकि कन्फ्यूजन में रहेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज देर इज़ अ नो डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क. इट रिड्यूस द वर्कलोड एज वेल एज प्रिवेंट्स कन्फ्यूजन एंड efficient utilization of the resources. An adaptation of the change. It facilitates modification of organizational structure and revision of interrelationship among people in order to adapt to environmental changes. जब हम organization create करते हैं, it is ready to provide stability and growth despite of external changes occurring in the business environment. With the help of organizing, you know very well कि हम एक ऐसे organization का create करते हैं जो कि business में होने वाले जो future changes हैं या और इन्वायरमेंट में जो होने वाले चेंजेस हैं उसके लिए वो रेडी रहता है. अब वो समय समय पे उस चेंजेस को अपने बिजनेस में अडॉप्ट भी करता है. द नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इट गिव्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल्स. दिस हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन रिगार्डिंग वर्क एंड अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज. एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट होता है जो लोगों को उनके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्लियर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, एज वेल एज वर्क के बारे में जो उनकी भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करता है. जैसे मैं किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मुझे किसी काम को करने के लिए कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं किसके पास जाऊँगा? कोई मेरा सुपीरियर होगा, हम उसके पास जाएंगे, उससे अपने काम को और इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे. कन्फ्यूज़न कोई होगा तो वो हम दूर करेंगे. तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. और देयर बेसिकली फाइव डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. नंबर वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नंबर टू इज सोशल एनवायरनमेंट, नंबर थ्री पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, नंबर फोर इज लीगल एनवायरनमेंट एंड नंबर फाइव इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. एंड यू नो वेरी वेल एंड कि ये सारे एनवायरनमेंट जो होते हैं, जो जितने भी डायमेंशन हैं, वो बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट करते हैं, बट बिजनेस का इन सारे पे कंट्रोल नहीं होता है.
या ये कह सकते हैं कि ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं, वो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं और बिज़नेस को एनी कंडीशन, एनी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपने बिज़नेस को ऑपरेट करना होता है। और एट द समराइज मैं आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट किया हूँ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का। द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इट डिस्क्राइब फोर्सेस विच इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस। नंबर टू, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इज सोशल एनवायरनमेंट विच डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इन विच बिजनेस फॉर्म ऑपरेट। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड नंबर सेकेंड इज इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी इन बिजनेस। नंबर थर्ड इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट विच डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि हमारे बिजनेस पे पॉलिटिकल कंडीशन का और गवर्नमेंट इंटरवेंशन का कैसा नेचर है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस किया जाता है। वेयर एज नंबर फोर इज लीगल एनवायरनमेंट डिस्क्राइब फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड लेजिस्लेशन विच विद इन विच बिजनेस फॉर्म ऑपरेट, यानी कुछ लीगल कंडीशन होती हैं, लीगल रूल्स होती हैं, लॉज होते हैं जिनके अंदर ही रह के बिजनेस को अपना काम करना होता है, बिजनेसमैन को अपना बिजनेस चलाना होता है। एंड नंबर फिफ्थ एंड इम्पॉर्टेंट डिस्क्राइब ब्रॉड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच बिजनेस फॉर्म ऑपरेट, यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बिजनेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दे आर बेसिकली फाइव डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और सबका अपना अपना एक महत्व है और सारे के सारे फैक्टर जो होते हैं वो बिजनेस में एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं। नाउ वी कंक्लूड दिस टॉपिक डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन फाइव पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज What is business environment? So business environment is a total of all things external to a firm that affect it. What is the meaning of things? Forces, factors and institution which are external to a firm but it affect the business. Number second, business environment may also be defined as all those conditions and forces external to a business firm under which it operates. It means business environment includes all the those condition forces which are external to a business but under which business operates. Number third, and it denotes the dimension of business environment, ki business environment classify into five dimension, five categories: economical, political, socio cultural, legal and technological. Number four is every business is considered to be product of its environment since it is the environment that creates and maintains. Yes, हर business की ये जिम्मेदारी होती है कि उसका जो product है वो business environment को create करे, environment को बनाए, ना कि environment को बिगाड़े और environment को maintain करके रखे। और fifth और important part ये है, जैसा हम जानते हैं कि business का जो nature होता है वो dynamic nature होता है, तो उसका reason क्या है, क्यों हम कहते हैं कि बिजनेस जो है वो डायनेमिक नेचर का है, तो उसके रीज़न होते हैं। द फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, हमेशा टेक्नोलॉजी बदल रही है। नंबर सेकेंड इज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी में लगातार परिवर्तन आ रहा है। चेंजेस इन सोशल वैल्यू, जो हमारी सामाजिक वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, वो बदलते जा रहे हैं। पहले हम लोग इंडियन कल्चर को काफ़ी तवज्जो देते थे, बट अभी देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा इफेक्ट। तो ये सारे फैक्टर हमारे बिजनेस को भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करते हैं। एन इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस प्रकार का लेन देन हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। तो अगर हम ये दोनों इमेजेस को देखें तो हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि वॉट इज़ द समरी ऑफ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोसाइटी इम्पैक्ट, पॉलिटिकल कंडीशन, नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी।
ये पांचों की पांचों चीज़ें जो हैं हमारे बिजनेस को एक्सटर्नली इफ़ेक्ट करती हैं। और ये जो दूसरा इमेज है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम अपने दिमाग में रख के किसी केस स्टडी को सॉल्व करने में काफ़ी हमें हेल्पफुल रहेगा। सो रिवीजन के बाद हम लोग मूव करते हैं आज के इस टॉपिक में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया। इट मींस भारत में इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट कैसा है, यानी आर्थिक पर्यावरण क्या है, वातावरण कैसा, पहले कैसा था अब कैसा है। तो यू नो वेरी वेल कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और हम ये देख रहे हैं कि लगातार इंडिया जो है इकोनॉमिक के फील्ड में अर्थव्यवस्था जो है उसकी सुधरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो उसी को हम आज स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और दोनों का स्टडी करेंगे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस भारत की इकोनॉमी कैसी थी और गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या क्या लिए जिससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। और उसके बाद आपको याद होगा 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसको भी हम लोग शॉर्ट में आज डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक विच इज़ अ इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मैक्रो लेवल फैक्टर विच हैव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। नंबर वन, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नंबर टू, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मिक्सड इकोनॉमी फॉर्म विच अलाउज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन प्रोडक्शन प्रोसेस। नंबर थ्री, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट सच एज मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड फाइव ईयर प्लान, इकोनॉमिक एग्रीगेट्स लाइक GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट etc. इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स लाइक बैंकिंग सपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल्स, कम्युनिकेशन, एनर्जी सोर्सेज, एंड दीज आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। अगर हम भारत के इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो ये सारे के सारे जितने फैक्टर्स हैं वो हमारे देश में मैक्रो लेवल पे हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं। जिसमें पहला है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हमारा देश का जो स्टेज है वो इस समय डेवलपिंग कंट्री की तरह चल रहा है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्म है। हमारे देश में जो मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी चल रही है वो हमें हमारे बिजनेस एंड इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है। इकोनॉमिक प्लानिंग, यू नो वेरी वेल प्लानिंग कमीशन ऑर्गेनाइज हो गया है, पहले पॉलिसी कमीशन था, इससे पहले फाइव ईयर प्लान चलते थे, पंचवर्षीय योजनाएं, अब उसको चेंज करके पॉलिसी कमीशन आया है, नीति आयोग जिसका नाम है। और हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय क्या है, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, GDP, GNP, ये सब भी हमारे देश में बिजनेस और इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक इफेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स, जिनके बिना हम इंडस्ट्री या बिजनेस करना पॉसिबल नहीं, जिसे हम लोग कॉमर्स भी कहते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, कम्युनिकेशन, एनर्जी सोर्सेज। तो दीज सिक्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड इंडस्ट्री एट मैक्रो लेवल। ओके, इट इज़ अ इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के समय जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय हमारे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इंडियन इकोनॉमी वॉज एग्रीकल्चर एंड रूरल इन नेचर। ओके, अबाउट 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। 70% जो देश की जनसंख्या थी जो काम करती थी वो एग्रीकल्चर में काम करती थी। अबाउट 85% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज, 85% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती थी। यानी हम कह सकते हैं कि पूरा जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा था और एग्रीकल्चर पर ज़्यादा बेस था। नंबर फोर, प्रोडक्शन वॉज कैरीड आउट यूजिंग इरेशनल एंड लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी। जो भी हम प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करते थे वो ज़्यादा रैशनल नहीं थी, यानी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, एंड लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी हमें हम बहुत पिछड़े हुए थे। कम्युनिकेबल डिसीजेज वेयर वाइड स्प्रेड एंड मोरलिटी
मोर्टैलिटी रेट्स वेयर हाई ड्यू टू द पुअर पब्लिक हेल्थ सिस्टम। पहले लोग अपनी सेहत पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, अगर महामारी आती थी तो वो बहुत तेज़ी से फैलती थी क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था और साथ ही साथ उसको रोकने के लिए प्रॉपर इंतज़ाम नहीं थे हेल्थ सिस्टम को लेकर। तो अगर भारत की स्वतंत्रता के समय देखें तो भारत जो है एक ज़्यादा जो है वो गाँव पर रहता था और एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड था और उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूव नहीं थी, लोकेशनल वे से प्रोडक्शन करते थे। और अगर हेल्थ सिस्टम को देखा जाए तो वो हमारे देश की जो हेल्थ सिस्टम थी वो बहुत ही पुअर थी, बहुत ही गरीब थी। अब ये सारी कमियां तो हमने गिना ली, लेकिन भारत ने इकोनॉमी को सुधार करने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं, उस पर भी हम लोग नज़र आते हैं। गवर्नमेंट स्टेप फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड फ्रेम डेवलपमेंट प्लान विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। यानी भारत देश उस समय जब अपने आर्थिक समस्याओं से ग्रसित था, अपनी आर्थिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उसने कई स्टेप्स उठाए। पहला स्टेप्स था इनिशिएट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। यानी भारत देश ने अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉन्सेप्ट लेकर आया, लोगों के जीवन के रहने का स्तर को बढ़ाने की कोशिश की, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की कोशिश की, गरीबी दूर करने की कोशिश की। नंबर टू, बिकम सेल्फ रिलायंट एंड सेट अप अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। जो भी इंडस्ट्री वर्क कर रही थी उसको एक प्रॉपर बेस की ज़रूरत थी, उसको काफ़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती थी जो एक बार अगर क्राइसिस आता था मार्केट में तो वो डूब जाती थी, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत है। रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये बहुत ही फेमस फ्रेज है कि हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है। इसका मेन रीज़न है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय का समान वितरण नहीं है हमारे देश में, तो आय का समान वितरण पर जोर दाया गया। जो ज़्यादा अमीर है वो उनसे इनकम टैक्स ज़्यादा लिया गया, वेल्थ टैक्स लिया गया, जिससे वो टैक्स जो आते हैं उस टैक्स का यूज़ जो है वो हम लोग पुअर पब्लिक में लगाते हैं, पॉपुलेशन में लगाते हैं। एडॉप्ट अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी, और समाज में समानता का भाव लाने के लिए एक सोशलिस्ट पैटर्न का डेवलपमेंट किया गया। तो जैसा आपने देखा कि हमारे देश में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कई ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं, कि अगर हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे अगर हमें कंट्रोल करना है, चूँकि हम कर तो नहीं सकते लेकिन अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमारे अपनी जो भी कमियां हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक कंडीशंस, रूल्स एंड पॉलिसीज़ में जो भी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने उस समय ये सारे स्टेप्स उठाए थे।